गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर तबस्सुम फारूकी। आज हम लोग ये दो रेमेडीज पढ़ेंगे विद कंपैरिजन फॉर द सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एज वेल। स्टेपिसैग्री एंड कोलोसंथ, ये दोनों रेमेडीज बहुत पैरेलल हैं एक दूसरे के। बहुत सारे रूब्रिक्स जो है दोनों में बहुत सेम है। एलिमेंट फ्रॉम, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारी सेम चीज़ें हैं। दोनों रेमेडीज शेयर करते हैं। कुछ महीने पहले आई हैड अ केस ऑफ स्टेपिसैग्रिया। अगेन ये जीआई प्रॉब्लम के साथ एक पेशेंट थे, अराउंड 50 ईयर ऑफ एज वो आए। ही वाज फ्रॉम लॉन्ग टाइम ऑन एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉर सब एक्यूट टाइफॉइड। अगेन उनको रिकरेंट टाइफॉइड होता रहता था और इसके वजह से उनको बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी रहती थी, जीआई प्रॉब्लम्स के साथ साथ हेडेक और अदर इश्यूज भी, वीकनेस वगैरह, जितनी भी टाइफॉइड की सिम्टोमेटोलॉजी है वो सब ही रहता था। सो सबसे पहली चीज़, जब भी आपको कोई भी मतलब जीआईटी प्रॉब्लम मिले, तो जब हमने नई नई होम्योपैथी स्टार्ट की थी तो ये हमको सिखाया गया था हैमर्स थियरी। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स जीआईटी को रिलेटेड रहती थी, जिसमें बर्निंग इन एब्डोमेन और पेन इन एब्डोमेन, तो सप्रेस्ड एंगर जो है वो ज़्यादातर 90% ऑफ केसेस में ये चीज़ें रहती ही थी। तो इसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे। और जब भी पेशेंट आके बैठता है तो या तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है, जब नहीं मिलती तो ये सारी जो हिंटर्स रहते हैं, ये सारे जो एसोसिएटेड हेल्पिंग मेथड्स रहते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो ज़्यादातर जीआई प्रॉब्लम्स में या सिस्ट वगैरह वाले जो इश्यूज रहते हैं, उसमें एंगर वगैरह एक्सप्लोर करना कि पेशेंट एंग्री है या माइल्ड है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जब भी कोई स्टेपिसैग्रिया की पर्सनालिटी आपके सामने आएगी, वो बहुत आउटरेजियस नहीं होते। मतलब मैंने बहुत आउटरेजियस स्टेपिसैग्रियाज नहीं देखे। ये बहुत ही कंसाइंशियस रेमेडी है और बहुत ही माइल्ड, जेंटल ज़्यादातर लोग प्रेजेंट करते हैं। मैंने जितने देखे हैं सभी बहुत माइल्ड, बहुत ही वेल नेचर्ड, बहुत ही सिंपली आके चेयर पे बैठना, अच्छे से विश करना, स्माइल करके बात करना, ये सारी चीज़ें रहती है। आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ी थोड़ी सल्फर जैसी, थोड़ी माइल्ड रेमेडीज जैसी लगेंगी आपको। सल्फर जैसे बहुत आउटरेजियस ही एकदम से बोलने वाले नहीं रहते, बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी रहती है ओवरऑल। और स्टेपिसैग्रिया इज़ वेरी कंसाइंशियस रेमेडी टू। जितनी भी कंसाइंशियस रेमेडी रहती है वो ज़्यादातर बहुत सेंसिबल रहते हैं, शांत रहते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल ही होते हैं। अब वापस से अगर हम इन लोगों का कंपैरिजन देखें तो दोनों ही एंगर सरप्राइज इंडिग्नेशन वाली रेमेडीज़ हैं। तो अगर हम एंगर को समझें तो बेसिकली इंसान, एंगर इज़ अ रिएक्शन, और रिएक्शन जो रहता है वो या तो इंसान एक्सप्रेस कर देता है वर्बली या किसी तरीके से, या तो वो एक्सप्रेस नहीं करता। बेसिकली इंट्रापिनेटिव एक्स्ट्रापिनेटिव में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो अगेन जितनी भी कंसाइंशियस रेमेडी रहती है ज़्यादातर इंट्रापिनेटिव ही रहते हैं, ज़्यादातर वो एक्सप्रेसिव नहीं रहते हैं। अब आपके ऊपर है आप कितना अच्छा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कितनी अच्छी हिस्ट्री लेते हैं। पर जितने भी एंग्री रेमेडीज़ हैं, इंडिग्नेंट रेमेडीज़ हैं, इंडिग्नेशन जहाँ भी आया तो एस्टीम को वो लेकर ही चलता है। कोई एस्टीम पर्सन ही इंडिग्नेंट होगा, मतलब कौन बेइज्जत होगा, जिसकी इज्जत है वही बेइज्जत होगा। तो इज्जत कैसे बनती है? इज्जत बहुत मेहनत करने से, बहुत दिल लगा के काम करने से बनती है, बेसिक समझा रहे हैं। तो इनका बचपन जब आप देखेंगे तो चाइल्डहुड भी आपको मिलेगा कि काफ़ी कंसाइंशियस थे, काफ़ी हार्डवर्किंग रहेंगे और अच्छे एग्जीक्यूटिव प्लानर्स रहेंगे। कोई एक चीज़ करना है तो करना है, बाहर सोसाइटी में भी रिलेशंस अच्छे रहेंगे, किसी के साथ बेवजह उलझना नहीं, झगड़ा वगैरह नहीं करना। कोई बदतमीजी भी कर रहा है तो उसको ठीक से
ठीक से उसको रिएक्ट करना, तो ये सारी चीजें आपको रहेंगी, पर रेमेडीज वाइज ये अलग अलग रहेगा। तो अगेन कमिंग बैक टू कंपैरिजन ऑफ स्टेफिसैग्रिया एंड कोलोसिन, कोलोसिन मैं बोलूंगी मोर ऑफ एन एक्यूट रेमेडी है, जो एक्यूट पेन में ग्रिपिंग कोलिक जैसा कि डिस्क्राइब किया रहता है, हमने पढ़ा रहता है, अक्यूट स्टेट में ज्यादा आएगा आएंगे। और स्टेफिसैग्रिया मोर ऑफ अ क्रॉनिक और एकदम लिंगरिंग कंप्लेन के साथ ज़्यादा रहेंगे। और सिस्ट वगैरह के भी केसेस देखे मैंने स्टेफिसैग्रिया से, एक ही डोज में बहुत अच्छा अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको अक्यूट और इसको क्रॉनिक लेके समझना चाहिए। दोनों ही अगेन सप्रेस्ड एंगर, इंडिग्नेशन, और यहाँ एक और चीज़ है इंटरनल गनोइंग मॉर्टिफिकेशन। कहीं आपको एलिमेंट फ्रॉम जब आप पोजीशन हिट करते, कब तक आप बिल्कुल नॉर्मल थे, कब तक आप कोई दिक्कत नहीं थी, तो कुछ एक रफ आइडिया टाइमिंग के हिसाब से आपको पेशेंट देता है कि अगस्त में हमको ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, या लास्ट ईयर अराउंड सितंबर या जुलाई या अप्रैल, कोई भी वेग मंथ देता है जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो ठीक है, आपको एक रफ आइडिया, रफ डेट मिल गई, ठीक है, उसके पहले क्या हुआ था, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी क्या कि जो आपको अभी तक याद हो, जिसका इम्पैक्ट आप अभी तक कैरी कर रहे हो, या जो कुछ कुछ गलत हुआ हो। तो ज़्यादातर टाइम जो है वो पेशेंट एक्सप्रेस करते ही हैं, हाँ उस टाइम पे सो एंड सो चीज़ हुई थी, या कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, मैंने किसी से पैसे लिए थे, उस वक्त मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, और हमने उसको प्रॉमिस किया था कि इतने डेज बाद हम दे देंगे, फिर वो सामने वाला बंदा वॉज वेरी लाइक इम्पेशेंट, मेरा टाइम लिमिट भी पूरा नहीं हुआ था और तब तक हम दे देते, हमारा अरेंजमेंट हो गया था, उसके पहले ही उसने तीन लोगों के सामने हमको याद दिला दिया, मतलब कि आपको पैसे देने हैं ऐसा, और वहाँ इतने सारे लोग बैठे थे, हमको बहुत गुस्सा आया, हमको बहुत ख़राब लगा। इस टाइप की जो गुस्सा इंसान पी लेता है, उसके बाद से उसका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। कुछ एक इंसिडेंट्स होते हैं जब इंसान मतलब नॉर्मल अपनी लाइफ कैरी कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्टेफिसैग्रिया इज़ वेरी माइल्ड पर्सनैलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, और कुछ हो गया, जब से बीमार रहते हैं ज़्यादा बात नहीं करते, नेचर में भी थोड़ा चेंज देख रहे हैं हम लोग, घर वाले ऐसा बोलेंगे, तो वो क्या है जो अंदर ही अंदर आपको मॉर्टिफाई कर रहा है। मॉर्टिफाई मतलब ही अपने आप में होता है कि मॉर्टिफाइड कौन होता है, मतलब एफएमटी में हमने पढ़ा है एक स्टेज होती है जब डीकम्पोजिशन के बाद में, मतलब जब बॉडी एकदम गल जाती है अंदर से, कुछ ऐसा समझिए जब कुछ मर जाता है, उस लेवल का एंगर ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपीरियंस करते हैं। और ये नॉइंग कंटिन्यूसली खोद रहा है, वो इंसिडेंट्स उसके दिमाग में रीप्ले हो रहा है, उसके वजह से उसके जो जितने भी आप ऑटोकेड्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो कॉन्टिन्यूसली उसके ब्रेन से निकल के उसको इफेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो इस स्टेट में बना हुआ है। अब हमारी होम्योपैथी क्या करेगी, इस चीज़ को करेक्ट करेगी, और ये चीज़ अपने आप उसका जो आउटकम है, जो कुछ भी है, उसको बर्निंग इन एब्डोमेन या कुछ सिस्ट बना है, जो कुछ भी एक्स वाई जेड पैथोलॉजी है, वो अपने आप जो है वो जाएगी, अगर आपने सही कॉज को ट्रीट किया है तो। दैट इज़ वाई वी से इन होम्योपैथी वी ट्रीट कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट ट्रीट डिसीज़। आप सिस्ट ठीक नहीं कर रहे हैं, आप सब एक्यूट टाइफॉइड ठीक नहीं कर रहे हैं, सो एंड सो, आप उस वो जो एक स्टेट है जिसमें वो पेशेंट ने अपने आप को लॉक कर लिया, वो जो ग्नोइंग मॉर्टिफिकेशन उसके अंदर चल रहा है, कॉन्स्टेंट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, हॉर्मोन्स वगैरह हो रहे हैं, आप इस चीज़ को जो है वो करेक्ट कर देते हैं और बाकी उसकी प्रॉब्लम वो चली जाती है। नाउ अब अक्यूट में कोलोसिन की अगर आप सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो मोर ऑफ बहुत इरिटेबल रहेगा, इम्पेशेंट रहेगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मतलब ऑब्वियस ही बात है, कोई जब अक्यूट कंप्लेंट लेकर आया और आप उससे कुछ पूछते हैं तो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को गुस्सा ही आएगा। तो ये जो रूब्रिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ ही रेमेडीज़ है लाइक नक्स वोमिका और आर्सेनिक है, लेकसिस है, तो कैमोमिला है, ये टाइप की रेमेडीज़ हैं। तो एंग्री वेन ऑब्लाइज टू आंसर, ये सारी जो सिम्टोमेटोलॉजी है मोर ऑफ ज़्यादा एक्यूट को वो करती है, और कोलोसिन रेयरली आपको गुस्सा जो है वो डॉक्टर को एक्सप्रेस करेगा या इरिटेबल होगा, वो
वो अपनी सारी कंप्लेन बहुत सिंपली और अच्छे से बताएगा, और आपको हिस्ट्री में पक्के से मिलेगा कि नहीं नहीं बच्चों के साथ भी हमारा अच्छा ही रिलेशन रहता है, रिलेशन अच्छा रहता है, मतलब कुछ अच्छे से रहते हैं, माई चिल्ड्रन लव्स मी, और घर पे भी कभी हम गुस्सा वगैरह एक्सप्रेस नहीं करते। पर हाँ, हमारी एक आदत है कि हम कई चीज़ें नोटिस करते रहेंगे कि यदि आप बताने के बाद भी वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो, वही गलती बार बार कर रहे हो, तो सुनते सुनते एक दिन पूरा ही हम सुना देते हैं। तो जब ये वाला सेंटेंस, ये कन्फर्मेटरी सेंटेंस है मेरे लिए स्टेफी सैग्रिया के लिए, जब कोई बंदा ये बोले कि नहीं हम देखते रहते हैं, हम जल्दी रिएक्ट नहीं करते, हम पहले खुद सोचते हैं कि चीज़ें अपने आप से करेक्ट हो जाए, पर जब ये रिपीटेडली होता ही रहता है, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो फिर एक दिन ऐसा खाली करेंगे कि फिर खाली हो जाते हैं, मतलब फिर लोगों को मतलब सरप्राइज हो जाते हैं उसके ऐसे रिएक्शन से, अरे इतना शांत बंदा, इसको इतना गुस्सा आता है, इस तरह की आपको केस टेकिंग में पक्के से देखने मिलेंगे। तो ये है छोटा सा स्टेफी सैग्रिया और कोलोसेंस, और मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ जाके अपनी मटेरिया मेडिका में से ये दोनों रेमेडी साथ में कंपैरिजन में ज़रूर पढ़ें, और इसके साथ में अदर रेमेडीज आल्सो लाइक नक्स वोमिका, ये भी एंग्री रेमेडी है, ये कैसा रहेगा। ओरम इज अगेन एन इंडिग्नेंट रेमेडी, तो ओरम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन आपको कैसा मिलेगा। तो ये इस बेसिस पे अगर आप एक रूब्रिक पे बहुत सारी रेमेडीज को बार बार पढ़ेंगे तो आप खुद ही अपनी ड्रग पिक्चर बहुत अच्छे से बनाएंगे और उसको समझेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट में है दोनों रेमेडीज का मैंने कंपैरिजन बताया। जब भी कोई केस हम एक्सप्लोर करें, अब हमको कोई एक अच्छा सा रूब्रिक या एलिमेंट फ्रॉम मिले, तो हमेशा उसके पास में 5 रेमेडीज होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और उन पांचों के कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हमेशा रहते हैं। तो जैसे आप फेरिंगटन एक बार पढ़ें तो उसमें बहुत अच्छा कंपैरिजन रहता है रेमेडीज़ का, तो चीज़ें आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाएगी। आपको मालूम रहेगा कोलोसिंथ रहेगा तो वो गुस्सा कैसा रिएक्ट करेगा, उसको किस बातों पे गुस्सा आएगा, स्टेफिस एग्रिया रहेगा तो उसको किस बातों पे गुस्सा आएगा। मेनली ये कंसाइंशियस रेमेडी है, मॉरलिस्टिक रेमेडी है, इमोरल नहीं है, तो बेसिकली इसको इमोरालिटी और गलत चीज़ों पे गुस्सा आएगा। अगर वही नक्स वोमिका है, नक्स वोमिका इज़ वेरी हार्ड वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम जानते हैं कि जब कभी भी डिसकंटिन्यूटी होगी उसके काम में, उसके काम में कोई रुकावट आई तो उसको गुस्सा आता है, मतलब काम करने के टाइम हमको डिस्टर्ब मत करो, जो हम कर रहे हैं भले वो कुछ भी हो आपके लिए वो फ्यूटाइल होगा, उसके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वो परफेक्शनिस्ट है, अपना हर काम बहुत अच्छे से करता है, इसीलिए अचीवर होता है ये। तो जब भी आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तब उसको गुस्सा चढ़ेगी और वो अच्छे से रिएक्ट भी करेगा। इस तरह से अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी और रेमेडीज समझना। अभी फिलहाल स्टेफिस एग्रिया और कोलोसेंथ ही हमने डिस्कस की है, उसका बहुत छोटा सा पार्ट कि कंपैरिजन में हम कैसे चलेंगे, आगे चल के हम और भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स एक ही रूब्रिक के अंदर कैसे रेमेडीज़ को समझना है, थर्मल के बेसिस पे, उसके माइंड के बेसिस पे, मतलब फिजिकल जर्नल, मेंटल जर्नल्स, तो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। सो वीडियो शॉर्ट रहे इसलिए बहुत कंसाइज में, बहुत थोड़े में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।